हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास टेंथ का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिज़िक्स, जिसका जो पहला चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड री फ्रैक्शन। तो बेसिकली इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट। लाइट क्या होता है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी के कई फॉर्म के बारे में जानते होंगे, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे घरों में जो लाइट आ रहा है वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपके घरों में मोटर भी होगा, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता होगा। जो मोटर क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। वो वाटर को ऊपर लेवल तक उठाता है कि नहीं उठाता है, हाँ, जैसे पानी की टंकी होती है वहाँ पर वाटर को सप्लाई करता है ना, तो वो मैकेनिकल वर्क करता है। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो उसी टाइप का लाइट भी एक एनर्जी है। आप सोलर पैनल के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें सोलर पैनल में क्या होता है, देखिए सोलर पैनल में आप देखे होंगे घर के ऊपर सोलर पैनल ऐसे लगा होता है, ठीक है ना, और वो इस पर सनलाइट पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे सनलाइट उस पर इंसिडेंट होता है। तो ये सोलर पैनल क्या करता है, इस ये लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, हाँ। और इस सोलर पैनल से नीचे घरों में बैटरी कनेक्टेड होते हैं। क्या कनेक्टेड होती हैं? बैटरीज। तो ये जो सोलर पैनल होता है वो लाइट एनर्जी को, मतलब सन से जो लाइट आ रहा है उसकी एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में स्टोर कर देता है इस बैटरी के अंदर। किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर देता है। और फिर हम इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लेते हैं, जिससे हम क्या यूज करते हैं, बल्ब का यूज कर सकते हैं इससे। इससे इलेक्ट्रिकल फैन ऑपरेट कर सकते हैं, हाँ, बल्ब हमारा ग्लो करता है इससे, ठीक है ना। इसी तरह से लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या है? वो सन है। सन से ही में सनलाइट आती है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और देखिए लाइट का और एक प्रॉपर्टी होता है। लाइट एनर्जी का फॉर्म है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों फील्ड से मिलके बना होता है। आप जब 11th 12th में जाएंगे तो उसकी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे आप पढ़े होंगे यूवी रेज के बारे में, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन से वो भी आता है, जो हमारे अर्थ पर नहीं पहुंच पाता है। हमारा जो ओजोन लेयर है उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है यूवी रेज को, ठीक है ना। वो तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज भी एक तरह की क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और भी कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे रेडियो वेव्स, ठीक है ना, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और भी तो माइक्रोवेव्स, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और एक और चीज याद रखिए, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। लाइट जब किसी बहुत ही शार्प चीज से, जब बहुत ही किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो लाइट का अपने पास से बेंड भी हो जाती है, ठीक है ना, तो वो लाइट बेंड भी हो जाती है। और जब किसी रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, अभी आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, जैसे कि एयर ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, एयर से लाइट अगर वाटर में जाएगी तो अपने पास से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लेकिन जनरली अगर एक मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करेगी। ये लाइट की प्रॉपर्टी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ।
लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। जैसे कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, ठीक है ना। अगर मीडियम बदलेंगे तो लाइट की स्पीड भी बदल जाती है, ये वैक्यूम है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप किलोमीटर पर सेकेंड में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए इस 3×10⁸ मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर बदल जाएगा। जैसे ऐसे 3×10⁸ इसको आप 1000 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए तो किसमें बदल जाएगा, किलोमीटर में। ये देखिए 3×10⁸ का मतलब 30 से 30 डिवाइड हो जाएगा इसमें 10⁹ से, तो ये क्या हो जाएगा 3×10⁵ 1, 2, 3 से 3 कट गया 3×10⁵ किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, 3×10⁵ 10⁵ में तो 50 ऐड हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर। इसको आप कैसे लेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 मतलब 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट थ्री लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है। लाइट की और भी बहुत सी प्रॉपर्टी होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3×10⁸। और जैसे हम बताएं अभी कि लाइट जब किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इन शार्प ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है तो अपने पाथ से वो लाइट स्केटर्ड हो जाती है ना, इस फिनोमिनन को डाइफ्रेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइफ्रेक्शन। तो उसको भी आप लिख लीजिए, डाइफ्रेक्शन क्या होता है, ये भी लाइट की प्रॉपर्टी एग्जाम में आ सकता है। डाइफ्रेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट इंसिडेंट, और जो भी हम पढ़ रहे हैं आप उसका नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। उस टाइम में आप बहुत सारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे एक साथ एग्जाम से 2-3 दिन पहले, तो आप क्या करिए, जो भी हम लिख रहे हैं उसका आप नोट्स बनाइए कि एग्जाम से पहले आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए वेरी शार्प ऑब्जेक्ट देन लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, दिस फिनोमिनन मतलब ये घटना, ये जो हो रहा है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इसको आप और तरह से भी बोल सकते हैं, व्हेन साइज ऑफ ऑपेक ऑब्जेक्ट बिकम्स वेरी स्मॉल लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, दिस इफेक्ट इज नोन एज डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ऑपेक ऑब्जेक्ट मतलब जैसे लाइट ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती है, यहाँ पर इसका एक शार्प किनारा है, आप देख रहे हैं ना, लाइट अगर ऐसे आएगी इस पर, इस किनारे पर ऐसे लाइट, यस मान लीजिए ये सनलाइट है, क्या है, सनलाइट है। लाइट जब इस पर आएगी, लाइट को तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, क्योंकि अभी ऊपर पढ़े हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट लाइन में चलने की, लेकिन अगर वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होगी तो वो क्या होती है, उसके अराउंड क्या होती है, बेंड हो जाती है। इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, और वो यहां से स्केटर्ड भी हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, जब मीडियम बदलेगा तो लाइट का डायरेक्शन भी क्या होता है, बदल जाता है। और जब किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लाइट, शार्प ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होगा
तो लाइट क्या होगा उसके थ्रू बेंड हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और लाइट स्केटर्ड भी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। और भी लाइट बहुत सारे फिनोमिना शो करता है, जैसे इंटरफेरेंस भी होता है लाइट का, ठीक है ना, तो वो आगे की चीज है। अब देखिए लाइट से कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, और लाइट को भी ये भी जान लीजिए कि लाइट हम बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना। लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है। जैसे उसको हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे खड़ा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है, जैसे ऐसे आप कह सकते हैं, देखिए ठीक है ना। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चाहे तो एग्जाम में अगर आप आएगा तो फिगर बना सकते हैं,